आज का अखबार पढ़ा तूने? बाजू की सोसाइटी में चोरी हो गई है, तो घर में वो गहने पैसा वगैरह कुछ ज्यादा रखना मत। अंजलि भाभी के साथ मैं ब्यूटी पार्लर जाऊं? हाँ तो जाना भाई, उसमें मुझे फोन करके पूछने की क्या जरूरत है? वो क्या है कि घर में थोड़ा जोखिम है गहने वगैरह, तो सोच रही हूँ जाऊं कि नहीं। बताइए ना मैं क्या करूँ। दया देख, तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। देखो मात्रे। यस बॉस। सोसाइटी बड़ी मालदार लग रही है। यस बॉस। गेट पे कोई वॉचमैन भी नहीं है। यस बॉस। और गेट पे जो दुकान है वो भी बंद है। यस बॉस। चले सोसाइटी के अंदर। यस बॉस। भगवान जल्दी पहुंचना है अभी। अंजलि भाभी, अरे अभी तक आए भी नहीं। अंजलि भाभी आई? अरे चलिए जल्दी कीजिए। अरे बाबा एक दो मिनट रुक जाओ बस। अरे 6 बजे के पहले हमें वापस आ जाना है, तब तक बापूजी भी आ जाएंगे। 6 बजे तक हम आराम से वापस आ जाएंगे। आप भी ना चलो। रुकिए रुकिए। ओहो आपका चैन तो बहुत अच्छा है ना? अच्छा है ना? हाँ। तारक ने दिया? हाँ। थोड़े दिन पहले ही बनवाया है। कितने का है? 30,000 रुपए का है। लगता नहीं। हाँ? मतलब इससे भी महंगा लगता है। सच? हाँ। मेरी फेवरेट गिफ्ट है। अब जल्दी चलो, आप ही को देर हो जाएगी। अरे हाँ चलिए। पूरा सोसाइटी चेक कर लिया? यस बॉस। एक एक विंग में नजर डाली? यस बॉस। कोई खतरा? यस बॉस। मतलब नो बॉस। हाँ चलो। अच्छा वो बहुत मजा आ गया है ना? हाँ। जड़ी के गले में सोने की चेन देख। अब आप जब भी ब्यूटी पार्लर जाए ना तब मुझे ले जाना। पक्का? लगता है इस सोसाइटी का मुहूर्त यहीं से करना पड़ेगा। यस बॉस। चल हट कर। बोलो। हेलो तारक, मेरा चेन चोरी हुआ। चोरी? हाँ प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंजलि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके ओके हाँ हाँ आ रहा हूँ। चलिए अंजलि भाभी। अरे भाई कितना मिक्स करोगे, दो ना अभी। अरे भैया जल्दी दो ना, मेरी बेल कितनी देर लगाता है। मेरा मस्त चमचमित बना है। क्या भाई, ना नींबू ना मसाला कुछ भी नहीं, इससे अच्छा भेल तो अय्यर बनाता है। देखिए आप घर पर आइए, शांति से बैठिए, आप डरिए मत। मुझे तारक ने वो चेन दी थी। उसमें क्या वो तो... अरे कोमल भाभी, भीड़े मैन, अरे जल्दी आइए, सुनिए। सुन रही हूँ, क्या हुआ? अरे भीड़े मैन, कोमल भाभी, क्या हुआ? अरे मैं और अंजलि भाभी यहाँ सोसाइटी का गेट के पास पहुँचे, तभी 3 चोर आए और अंजलि भाभी का सोने का चेन चुरा कर भाग गए। क्या गॉड! अरे दया भाभी, तभी चिल्लाना चाहिए था ना। हाँ। अरे हम लोग वहाँ सोसाइटी के गेट के पास थे, वहाँ से चिल्लाती तो आप लोगों को कैसे सुनाई देता। भाभी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर वो तारक ने जो गिफ्ट दिया था वो चेन चोरी हो गया। वो बहुत महंगी थी क्या? अरे बाबा पूरे 30,000 रुपए का था। ओको भाई, ये वही चेन तो नहीं जो आपने अभी भी बनवाई थी? हाँ वही है। ओ गॉड, कहाँ से ली थी आपने? मैंने मुच्छर ज्वेलर्स से खरीदी थी। हाँ ये मुच्छर ज्वेलर्स है ही पनौती। वहाँ से कोई भी चीज लो ना
टिकती नहीं। क्या? अरे वो सब तो ठीक है, चेन कितना खूबसूरत था, मुझे भी एग्जैक्टली सेम डिजाइन का वो चेन बनवाना था। अरे बबीता, इतनी पसंद थी तो पहले बनवानी थी ना, अब क्या फायदा, अब तो चोरी हो गई। हाँ वही तो, अब मैं उस चेन का सैंपल भी कहाँ से लाऊं? अरे इनके चेन चोरी हो गई और आप लोग क्या बातें कर रहे हो ये? अब तो दिन दहाड़े चोरी होने लग गई। हाँ, अब तो हम लोग सोसाइटी के आसपास भी गहने पहनकर निकल ही नहीं सकते। अरे सोसाइटी क्या, घर में भी हम लोग सेफ नहीं है। हंस भी उड़ गए। किसके हंस उड़ गया? हंसराज डॉक्टर साहब पूना गए हैं ना बाय फ्लाइट। कोमल भाभी आप भी ना, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो हमें सबसे ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा ना। हाँ यार, हमारे सोसाइटी में तो वॉचमैन भी नहीं है तो। अरे मेहता साहब, अंजलि क्या हुआ, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर आपने दी हुई वो चेन चोरी हो गई। वो चेन तो फिर दोबारा खरीद लेंगे अंजलि, लेकिन ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। आपको पता, मैं इतनी डर गई थी कि मेरी तो आज ही नहीं निकली। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, डरने की कोई जरूरत नहीं। आओ हम इत्मीनान से बात करेंगे, आओ घर चलो, आओ चलो, चिंता मत करो। चेन की चिंता मत करो। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोलो, अभी क्या है? अरे गजब हो गया, अंजलि भाभी का सोने का चेन चोरी हो गया। क्या? हाँ। कैसे हुआ? यूँ कि मैं और अंजलि भाभी जैसे ही ब्यूटी पार्लर के बाहर निकले, चेन चोरी हो गया। नहीं, अरे बाहर निकलते ही हमने सोचा कि क्यों ना आराम से बातें करते करते जाए, तो जैसे ही हमने चलना शुरू किया, चेन चोरी हो गया। अरे नहीं, आप पूरी बात को सुनिए। जैसे ही हमने चलना शुरू किया और सोसाइटी के गेट के पास पहुंचे, और हेलो टप्पू के पापा, आप कुछ बोले क्यों नहीं? अरे भाई तू क्या हुआ, कैसे चोरी हुआ, बोलना भाई सीधा सीधा। हाँ तो हम जैसे ही गेट के पास पहुंचे और तीन चोर आए और अंजलि भाभी का सोने का चेन खींचकर रफू चक्कर हो गया। अरे बाप रे, अंजलि भाभी को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, अच्छा हुआ मुझे भी कुछ नहीं हुआ। अरे फिर तो, अरे भाई बाकी की पूरी कहानी मैं रात को घर पे आऊँ तभी सुनाना, ठीक है? चलो तो फिर फोन रखती हूँ। अरे नहीं भाई, पकड़ के रख फोन। क्या आप भी, मैं इतने टेंशन में हूँ और आप मजाक कर रहे हैं। ये तो गजब हो गया, 25 लाख रोकड़ा घर लेके जाना है। जेठालाल ध्यान रखना पड़ेगा। हमें कुछ करना होगा। मतलब टप्पू कह रहा है हमें सावधान होना पड़ेगा। ओके सावधान। ऐसे सावधान नहीं होगी चौकन्ना, हमें किसी भी तरह चोर को ढूंढना है। टप्पू सेना चोर को छोड़ेगी नहीं, क्यों फ्रेंड? यस। अच्छा सेठ जी, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ निकलो। नहीं तो क्या है, वो पद्मावती भोजनालय मेरा बंद हो जाएगा। हाँ निकलो निकलो। अरे सेठ जी, घर पे पहुँचते ही सीधा मुझे फोन करना, नहीं तो क्या है सारी रात मुझे आपकी चिंता रहेगी। नहीं नहीं, मैं फोन कर दूंगा आपको। हाँ एक मिनट, आप मुझे कहाँ फोन करेंगे? घर के नंबर पे मत करना, 2 दिन से बिगड़ा हुआ है। मेरे मोबाइल पे फोन करना। मोबाइल नंबर है ना मेरा आपके पास? है नटू काका, आपका मोबाइल नंबर है मेरे पास, मैं मोबाइल पे फोन कर दूंगा। अभी आप जाइए। मैं हूँ नटू काका। अरे सेठ जी, अभी तक आप जा क्यों नहीं रहे, खड़े क्यों हैं? अरे मैं रिक्शा की राह देख रहा हूँ नटू काका। क्या आप रिक्शा में घर जाएंगे? हाँ क्यों? नहीं नहीं सेठ जी, क्यों क्या, मैंने आपको दुकान में क्या कहा था? क्या कहा था? भूल गए सेठ जी, याद करो। नहीं याद आ रहा, बोलो ना नटू काका क्या कहा था। मैं रिक्शा में गया था तो मुझे लूट लिया था। तो फिर आप पैदल चल कर जाइए। यहाँ से घर तक पैदल? अरे तो क्या हुआ सेठ जी, चलिए मैं भी आपके साथ घर तक आता हूँ, आपको कंपनी मिलेगी, फिर वहां से निकल जाऊंगा पैदल। चलिए दोनों चलते हैं।
नहीं नटू काका, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। रिक्शा में जाना, रिक्शा मैं चल के ही घर जाता हूँ। बराबर है, भूलना मत, रिक्शा में मत जाना। नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा, चल के जाना। चल के आप जाओ। हाँ रिक्शा, गोकुल धाम सोसाइटी। पैसा है क्या? क्या मतलब? भाड़े का पैसा है? मैं रिक्शा में गया था तो मुझे लूट लिया था। ये लुक के पैसा नहीं तो रुका है क्यों? हद है, शरीफ लोगों का तो जीना ही मुहाल हो गया। शराफत का जमाना ही नहीं है। मतलब कोई भी गले से चेन खींच के ले जाएगा ऐसे? हमारे सोसाइटी के आसपास दिन दहाड़े चोरी होनी नहीं चाहिए थी। ओ मतलब? ओ यानी रात को चोरी होना ठीक है? सॉरी, मेरा मतलब है चोरी होनी नहीं चाहिए थी, चाहे दिन हो या रात हो। लेकिन अब क्या करें, चारों ओर माहौल ही ऐसा है, हालात इतने खराब है। मेहता साहब, आजकल किसी को मेहनत नहीं करनी है, सबको झटपट अमीर बनना है। ऊपर से मंदी का माहौल, मुझे लगता है कि हमें कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। करेक्ट। चलो आखिर में गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच ही गया। ये शर्ट पहन के अभी अंदर नहीं जा सकता, इसका काम हो गया, इसको निकाल देता हूँ। लेकिन ये लेडीज लोग भी, अब इतना कॉस्टली ऑर्नामेंट पहनकर जाना ही नहीं चाहिए ना। क्या बात कर रहे हैं अय्यर साहब, ये कोई इलाज हुआ? यानी कि सड़क पे चलता हुआ कोई गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर दे तो आप सड़क पे हर गाड़ी को चलवाना बंद कर देंगे? ये क्या बात हुई, अगर औरतें ऑर्नामेंट्स पहन के नहीं घूमेंगी तो क्या हम क्या मर्द पहन के घूमेंगे? क्या बात करते हैं यार, ये कोई बात है क्या? अरे जेठापुरा आ गए। ओ जेठालाल। हाँ छोटे, कैसे हो? अरे हम तो ठीक है, तुम इधर आओ यार। अरे जेठालाल जल्दी आओ, पहले आता हूँ, दो मिनट आता हूँ। अरे बहुत अर्जेंट है, पहले इधर आओ, जरूरी काम है भाई, जल्दी आओ। क्या हुआ मेहता साहब? अरे क्या होना है यार। अरे जेठालाल मालूम है तुम्हें आज अंजलि के साथ क्या हुआ दिन में? हाँ, मुझे दया का फोन आया था दुकान पे, वो चेन चोरी हो गई ना। हाँ। तो पता चला किसने चोरी किया चेन? कहाँ पता चला, वही तो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो पुलिस में कंप्लेंट किया? सोचा था, लेकिन पुलिस में कंप्लेंट करने का क्या फायदा, चोरी का माल तो बरामद होता नहीं है। और वैसे भी पुलिस तो चुनाव के बाद वो वोटिंग मशीन की रक्षा में लगी हुई है ना। अरे ये मोहन लाल की गाड़ी है ना? हाँ। काफी दिनों बाद आई है। वो क्यों ना मोहन प्रा से बात करें? अरे हाँ छोटी बराबर बोल रहा है। सड़ला मिला तो चोर, उसको ऐसी सजा मिलेगी ना अंजलि भाभी, आप देखना। अरे भगवान है ऊपर, सब देख रहा है। सच में माधवी भाभी, इस बार तो मैं भी कहती हूँ कि एक बार मुझे मिल जाए उसका कचुमा बना दूंगी मैं। मोहन भाई ना? ये मोहन भाई की गाड़ी है? हाँ हाँ ठीक है। अरे अरे ए बब्बन, तू परेशान मत कर मेरे को। मोहनलाल भाई की तो बहुत पहचान है गुंडों में, पुलिस में, तो पता चल जाएगा किसने चेन चोरी की है। बराबर है, चलो फिर बात करते हैं। आप पूछा, मैं जरा घर होके आता हूँ। नहीं नहीं तुम साथ चलो भाई, तुम्हारी बहुत जरूरत है। नहीं जेठालाल, नहीं तुम आओ। अरे आओ। देख मैं आज ही इंडिया आया हूँ, और तुझसे बोला ना मैंने पुलिस में NC लिखा दे। बहुत दिन बाद मोहन भाई वापस आए हैं। चलो चलो। हाँ, वो इंस्पेक्टर भोसले पाटिल सब मेरी पहचान के, समझाना। हाँ 30 पेटी लगाया आज। चल ठीक है, अभी चपर चपर बंद कर, फोन रख। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते मोहन भैया। नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? वैसे तो मजे में भी है लेकिन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अब वो अंजलि के गले से कोई चोर दिन दहाड़े इनकी चेन खींच के ले गया सोसाइटी के गेट के बाहर से। चोरी? हमारी सोसाइटी में चोरी? मोहन भाई की सोसाइटी में चोरी?
किसने की? अब यही तो आपको पता करना है। आप अपने कॉन्टेक्ट से अगर कुछ ट्राई करके पता लगा दें कि किसने चोरी की और चेन वापस आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पाटिल। हाँ हेलो इंस्पेक्टर पाटिल, मैं मोहन भाई। वो क्या है कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के गेट पर अंजलि भाभी के गले से कोई चोर चेन झपट कर ले गया है, तो प्लीज़ ज़रा पता लगाइए कि ये नामाकुल हिमाकत करने की ज़रूरत किसने की है। प्लीज सर। थैंक यू पाटिल साहब, चोर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए इस सोसाइटी में कोई भी चोर आ नहीं सकता है। और आपको पता है मेरे घर में 20-25 लाख रुपए ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन आज तक किसी चोर की हिम्मत नहीं हुई मेरे घर में घुसने की। और अंजलि भाभी आप चिंता मत कीजिए, आपकी चेन जरूर मिल जाएगी। थैंक यू भैया। देखिए अब मैं आ गया हूँ, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर में जाकर आराम से सो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन भाई ने भी बोल दिया तो मैं चलता हूँ। चलो मोहन भाई, ठीक है, ओके। एक सॉरी यार, तुमको रोका देखा लाला, बाकी सब ठीक। मोहन भाई ओके, चलो चलो चलो, चिंता नहीं। थैंक यू वेरी मच। मम्मी जल्दी खाना दो, भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा देती हूँ। अरे टप्पू थोड़ी देर रुक जा, अभी जेठा आता ही होगा, फिर साथ में खाना खाएंगे। दादाजी जोर से भूख लगी है। देख टप्पू, दिन में एक बार घर के सारे सदस्यों को एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। हाँ समझे। ले आ गया जेठा। जेठा हाँ? ये बगल में क्या रखा है? 25 लाख रुपए बापूजी। तो ऐसे क्यों रखा है? किसी को शक ना हो इसलिए। ये बबूचा जिस तरह से तूने थैली पकड़ी है उससे तो किसी को भी शक हो जाए कि इसमें कुछ है। अरे आप नसीब वाले हैं कि किसी की नजर नहीं पड़ी, वरना जैसे अंजलि भाभी का चैन चोरी हो गया ना, वैसे आपका पैसे भी चोरी हो जाते हैं। वो सब छोड़, तू भी सुन। हाँ। ये सब गहने बहने पहन के अभी बाहर मत निकलना, समझी? हाँ। और ये ले, ये 25 लाख जरा संभाल के रख दे। हाँ, ये 25 लाख रुपए मैं लाल मिर्ची के डिब्बे में छुपा दूंगी। क्यों लाल मिर्ची के डिब्बे में ही? क्योंकि जैसे ही चोर डिब्बा खोलेगा तो मिर्ची उसकी आंखों में उड़ेगी। और हम ये पैसे निकालने गए तो हमारी आंखों में मिर्ची नहीं उड़ेगी? अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ, ये पैसे ऐसी जगह छुपाऊंगी कि ढूंढने पर भी ना मिले। हमको भी नहीं। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तू सोचती कब है? उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। या नॉनसेंस। या भाई ए, तुम दोनों खेलना बंद करो, इधर भूख लगी है। हाँ बापूजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं पैसे संभाल कर रख देती हूँ। ये 25 लाख में घर ले तो आया हूँ भगवान। मैंने ही आपको कहा था कि मुसीबत आने वाली है, लेकिन ये मुसीबत अंजलि तारक मेहता पे आएगी सबसे पहले ये पता नहीं था। सोने की चेन लूट के ले गए चोर, मेहनत से कमाई हुई कोई चीज चोरी चली जाए, खो जाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन अभी मसला सोने की चेन नहीं है, मसला है 25 लाख रुपए जो दया भाभी ने अपनी अकलमंदी से घर में छुपाए हैं। अगर ये बात चोरों को पता चल गई तो मुसीबत किस पे आएगी? जेठालाल पे, उन रुपयों पे या चोरों पे? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन तब तक आप हमारे साथ हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।